उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों के गन्ने पर 20 रुपये बढ़ाए गए हैं। वर्ष 2021 की बात की जाए तो उस दौरान जब उत्तर प्रदेश सरकार थी तो उन्होंने 25 रुपये गन्ना मूल्य पर बढ़ाया था, 325 रुपये से बढ़ा करके 350 रुपये किया गया था। लेकिन अब मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश में योगी की है तो फिर भी 20 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, जिसके चलते अब गन्ने का जो भाव है वो 370 रुपये हो गया है। इस वक्त मैं शामली जनपद के शुगर मिल में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहां पर बहुत से किसान खड़े हैं जो अपना गन्ना लेकर के शामली में आए हैं। तो 20 रुपये की जो सरकार ने बढ़ोतरी की है गन्ने पर, उस पर किसानों की क्या राय है, वही राय जानने के लिए हम यहाँ पर किसानों के बीच पहुँचे हैं। एक मौजूद है मेरे साथ किसान, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? शिवम जी। शिवम जी, गन्ना लेकर के आए हो? जी। अच्छा, तो अभी जो 20 रुपये बढ़ाए सरकार ने, कैसा लग रहा है? कसा के है जी, 20 रुपये बढ़ाए एक गन्ने पे, अब उसमें और चीज़ पर बढ़ाओगे, चीनी पर बढ़ाओगे, दुगने बढ़ा देंगे, क्या फ़ायदा 20 रुपये बढ़ाएगा? पिछला पेमेंट सारा बकाया पड़ा जी, तो बताओ क्या फ़ायदा इस 20 रुपये का, क्या ले? पिछला ही दे तुम्हारा, वही बहुत है हमें तो। अब यहाँ धरना चल रहा था, कई महीने धरना चला, उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ, पिछले पेमेंट की कोई समस्या हल नहीं हुई, कह लगा नवा शुरू कर दो। अरे दूसरे मील ना सारा दे दिया एक दिन पहले तक का, पर इसने पिछला ही नहीं कर अब तक। लेकिन बात सभी किसानों की हो रही है, अगर 20 रुपये बढ़े हैं वो किसी एक किसान के लिए नहीं बढ़े, वो सभी के लिए। तो जी पेमेंट भी तो सब गई रुका पटा पिछला, ये तो बताओ इस 20 रुपये को कहाँ धरेंगे हम, जब पिछला ही नहीं मिला। कहीं डॉक्टर के चले जाओ, जेब में रुपए नहीं पाते, जाकतू की फीस नहीं पाती। यानी कि समस्या आप लोगों के सामने केवल पेमेंट समय से नहीं हो रहा, वो समस्या सबसे बड़ी है। ये तो जी 10 साल से हो रही समस्या, आज लो समय पे नहीं हुआ। समस्या पेमेंट को लेकर है ना, पेमेंट हर चीज की समस्या है जी। अगर इस पे 20 रुपए बढ़ाए, ऐसी दूसरी चीज जो है महंगाई दुगनी बढ़ा दे। लेकिन किसान ही तो मांग करते हैं मेरे गन्ने का पेमेंट, गन्ने का जो रेट है वो बढ़ा दीजिए। अजी एक बात तो बताओ, रेट तो बढ़ावे तो रेट भी तो बढ़ावे, कई साल हो लिए, 3 साल हो लिए लगभग, 3 साल में कम से कम 400 तो होना चाहता, कोल्लू दे रहा 430, पुरखा जी चले जाओ लेगा। ठीक है, देखिए किसानों की मांग है कि कहीं ना कहीं गन्ने का जो मूल्य है वो 400 रुपये हो। और भी किसान मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? अनिल शर्मा। अनिल जी, ये जो शामली शुगर मिल है, इसमें हम लोग ये जानने के लिए पहुँचे हैं कि किसानों के गन्ने पर 20 रुपये सरकार ने बढ़ाए हैं, अब 370 रुपये गन्ना हो गया है, तो किसान क्या सोचता है इस बारे में? भाई किसान तो ये सोचे गन्ने का रेट तो ठीक बढ़ गया 20 रुपये पर, और चीज़ों में महंगाई थोड़ी ज़्यादा है, उन अगर सरकार कंट्रोल कर ले थोड़ी और महंगाई को। और दूसरी बात यह, महंगाई के साथ साथ में कानून व्यवस्था यहाँ की, कानून व्यवस्था यहाँ की बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा सब्र कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए शामली शुगर मिल में हम पहुँचे हैं और किसानों से जो बात हो रही है वो गन्ने के पेमेंट पे जो 20 रुपये बढ़े हैं उसको लेकर के हो रही है। क्या नाम है सर आपका? कालू राम जी। कालू राम जी, शामली शुगर मिल में बैठे हैं आप, गन्ना लेकर के आए हैं? हाँ जी। तो 20 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, क्या मानते हैं? बस ठीक है, तो पर पहले पुराने पीछे मिल जाता, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, 20 रुपये बढ़ गए ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, पैसे मिलेंगे हमारे टाइम पर, बस और भेजा। हाँ ताऊ जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में, जैसा 20 रुपये बढ़े? अरे ठीक है, बढ़ गए, बढ़िया भाई, और क्या कहते हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट तो नजर से नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ बताओ बताओ, अपनी बात बताओ। हमें एक बात कहना चाहिए गन्ने के बारे में, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बाहुल्य है और लगभग 90% फैक्ट्रियाँ टाइम पे पेमेंट कर रही है। मेरी जो श्यामली शुगर मिल पे ऐसा कोई लगभग 50-52% का पिछला बकाया है। अगर सरकार इस फैक्ट्री के पेमेंट पे पिछले बकाए पे ध्यान दे ले तो इन किसानों के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि 3 महीने का पेमेंट हुआ, 3 ही महीने बाकी हैं पिछले साल के। और मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही कहना, उत्तर प्रदेश का शासन बहुत बढ़िया चल रहा है, इस गन्ने के पेमेंट पे पिछले बकाया पे थोड़ा सा ध्यान। शासन अच्छा है उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन पेमेंट को लेकर के थोड़ा शामली शुगर मिल पीछे है, और वही किसानों की मांग भी है। तो और भी किसान है, भैया आपका क्या नाम है? प्रज्वल निर्वाल जी। आप भी गन्ना लेकर के आए? हाँ जी। तो 20 रुपये बढ़ोतरी की है उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने पे, हाँ जी, कैसा लग रहा है? तो जी कैसा लगता है, ऐसी महंगाई आगे बढ़ा देंगे तो मांग भी तो फिर सरकार से किसान ही करता है ना, कि भाई मेरे गन्ने का पेमेंट बढ़ा दो। नहीं जी, पेमेंट बढ़ाओगे, पेमेंट बढ़ा दिया, अब ऐसा सारी चीज़ के रेट बढ़ा दिए, चीनी बढ़ा दिए, डीजल के बढ़ाने लग रहे बार बार, अब जब इलेक्शन आ गए, नहीं इलेक्शन आ गए कम कर दिए, वरना इलेक्शन जाती फिर ऐसी। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि गन्ने पर रेट तो बढ़ जाए लेकिन महंगाई थोड़ा कम? महंगाई पर तो ध्यान देना ही है, ऐसे थोड़ी है। चलो चलो, क्योंकि सर्दी भी है तो जो किसान है वो यहाँ पर देखते हैं कि भाई आग
सिलगाई हुई है और इसके साथ सेक भी रहे हैं, कहीं ना कहीं सर्दी भी दूर कही है। और मुझे लगता है कि 20 रुपए बढ़ा दे, सर्दी तो वैसे भी दूर होगी होगी ज्यादा। हाँ ज्यादा सर्दी दूर होगी यार, ये सब जितने बैठे चादर तारेंगे, चादर तार गए नंगे होकर बैठेंगे। 20 रुपए में बाबा जोर पाएगा है, मतलब आपको लग रहा है कि 20 रुपए जो बढ़ाए गए वो उचित नहीं है। आप दे 20 रुपए में होया, आगे 10 रुपए तो हमारे छोलने वालों ने बता लिए पहले ही। कितना बढ़ना चाहिए था आपके साथ? कम से कम 400 रुपए होना चाहता, कम से कम 400 रुपए बहुत महंगाई है, कुछ नहीं आता। लेकिन जैसे 400 रुपए होगा तो फिर महंगाई तो और बढ़ जाएगी। और बस मेरे पे तो 10 बता रहे बाजार में, 40 बता दे मैं तो कुछ नहीं। तो लिए 10 ईन जा लिया, 10 ईन जा लिया 20 रुपए के चक्कर में। 20 तो नहीं बताए नहीं थे तो इन पर क्या प्रेशर था जो ये 20 रुपए पहले बताए थे शुरू में ही? के प्रेशर था जी मुझे तो पता नहीं, देखो इस बात का। पर तुम बताओ तो 20 तो थारे, थारे पर के प्रेशर है? 20 रुपए भी आप पे अच्छे नहीं लग रहे। नहीं अच्छे के मेरे हाथ में है कुछ? अरे 10 दे दे बढ़िया, 20 दे दे बढ़िया, ना दे तो और बढ़िया था। हमें क्या दिक्कत आई थी? चलो बता, मेरे इसके हरियाणा वाले के बीच में एक जमुना ही तो है, मुश्किल था 1.5 किलोमीटर, वहाँ तो 386, अगले साल का 400 भी तय कर दिया और मारा 350 तो गंडा हो रहा होगा। देखिए वैसे बात उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं अपनी तुलना हरियाणा के किसान से करते हैं, तो करने चाहते और वहाँ पर जो है 400 रुपए का रेट है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं कि अगले साल जो 400 का रेट हरियाणा सरकार में होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी सरकार किसानों पे ध्यान दे, 400 रुपए का रेट रखे। 400 रुपए क्विंटल ले रहे हैं। अच्छा भैया थोड़ा थोड़ा भाई साहब आप भी बताएंगे। ये भाई साहब नहीं बोलते, इनको तो दिक्कत परेशानी कुछ ज्यादा ही हो रही है, तो थोड़ा इधर से बात कर लेते हैं क्योंकि इधर किसान। ये भैया हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। भैया आपका क्या नाम है? राजकुमार सिंह लिलोड़। राजकुमार जी चारा बड़ा मुस्कुरा रहा है आपका, 20 रुपए का रंग से भी दिख रहा है कि भाई सरकार ने जो ज्यादा बढ़ाए थे भाई, ज्यादा कम चाहते थोड़े से। ये तो हरियाणा का रेट देख लो, हमारे गन्ने में तो नहीं रस निकलता है सही भाई। जो हरियाणा का गन्ना है ऐसा ही गन्ना मारा होगा उनका, 386 का रेट, पंजाब में 392 का रेट, हमारे में तो नहीं रस निकलता, वो चिन्नी में तो नहीं बनती उनकी, ज्यादा आवे रिकवरी। तो 370 हो गया आपको क्या गन्ने का रेट? 370 बता दो रे, मगर ज्यादा कर दिया, वही ठीक था हमारे लिए, तो हमारी रिकवरी कम आ रही, वही देना चाहता हूँ मैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके जो गन्ने का मूल्य है वो कितना निर्धारित होना चाहिए? गन्ने का मूल्य तो इन्होंने 20 रुपए बढ़ा दिया, खाद पे भी बढ़ गए, डीजल पे भी बढ़ रहे, पेट्रोल पे बढ़ रहे, हर चीज पे पेस्टिसाइड पे बढ़ रहे। जो दवा खाद इब तक 4 साल पहले कम थी उन पर डबल हो रहे रेट, खाद का कट्टा था यूरिया का, यूरिया कट्टे के रेट घटाए दिए उन्होंने, वजन घटा दिया, 267 रुपए का कट्टा कर क्या इब 8 देड़ी का कर दिया, वो 40 किलो का, पहले 50 किलो का आकर था। बड़े में आप क्या कहोगे गन्ने का जो 20 रुपए मूल्य बढ़ाया गया है? बहुत कम बढ़े, कम बढ़े, बहुत ही कम। कितने कम से कम 450 होना चाहिए था, 450 महंगाई के हिसाब को देखते हुए। महंगाई तो फिर भी बढ़ती, महंगाई इतनी है, किसान तो जो है मजदूरी बढ़ रही, हर चीज़ बढ़ रही। छोलने वालों ने जो है 5 रुपये अपने आप बढ़ा दिए, जो बुग्गी के नौ किराए वाला उसने 5 रुपये बढ़ा दिए, 10 रुपये तो उन्होंने बढ़ा दिए, भाव भी नहीं बढ़ा था जी बोले तो 20 रुपये ना काफी। ये नहीं लग रहा आपको अगर सरकार ना बढ़ाती, ये जो मजदूरों ने बढ़ाए तब भी आपको देना पड़ता? तो फिर भी देते, हम गंडा तो दे रहे हो, गंडा खा लेंगे बस, देंगे तो फिर भी गंडा ठीक है। देखिए कुछ और किसान है, थोड़ा उनसे भी बात कर लेते हैं, इधर भी किसान बैठे हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? मनीष। मनीष जी गन्ने का रेट 20 रुपए बढ़ा है जी, तो किसानों से हमने बात की, कोई अपनी अलग अलग राय रख रहा है, कोई हरियाणा से तुलना कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे? ये 20 रुपया जो है गन्ने का वो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, डीजल और किसान के यहाँ जो मजदूरी है वो सब लगा कर नाकाफी है, क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड है, डीजल पेट्रोल है, हर साल बढ़ती है लागत किसान की और भाव बढ़ता है 4-5 साल में 20 रुपया, तो किसान के लिए ना काफी है। कम से कम 400 रुपये तो गन्ने का भुगतान होना ही था, कम से कम 400 रुपये ठीक है। अच्छा बड़े मियाँ आप बैठे हैं बीच में सेक रहे हैं, आप थोड़ा इधर थोड़ा फेस इधर कीजिए। अब ये बताइए सभी छोटे बड़े किसानों की हमने बात सुनी, हम आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि जो सरकार ने
मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश में उन्होंने 20 रुपए गन्ने के बढ़ाए हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? के बढ़ाया जी 20 रुपए? खाद का कट्टा कितने का होगा? खाद का कट्टा कितने का होगा? और घटा दिया जो 5 किलो जो है यूरिया के पे? यूरिया घटा दिया? हाँ, यूरिया का वजन घटा दिया ना, 20 रुपए के बढ़ा दिया, कुछ भी नहीं। लागत देखो जो है कितनी आवे। अच्छा, अगर ये 20 रुपए बढ़ाए हैं आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर किसानों के हित की बात की जाए तो कितना बढ़ना चाहिए था ताकि किसान खुश हो सके? भाई इतने बड़े तो हम आइडिया नहीं, पर लोगों ने बता रहा क्या, कम से कम जो है 400-450 को तो भाव होना चाहिए। बोले कोल्लुड़े ले रहे 450 तो क्या करना नहीं है, कुल्लू में देखो के बाजार है जो है, इन्होंने 20 बढ़ा दिए के कीड़ी की टांग तोड़ दी जैसा इन्होंने। देखिए शामली शुगर मिल में हम लोग पहुँचे थे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024 में अभी 20 रुपये बढ़ाए गए हैं, मौजूदा जो गन्ने का मूल्य है वो 370 रुपये हो चुका है। कुछ और किसान है अभी अभी पहुँचे, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं। जी भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा आप बताइए, आप भी किसान हैं तो गन्ने का जो 20 रुपये मूल्य बढ़ाया उस पर आप क्या कहेंगे? बाकी ये बताओ कि क्या है, पर वो कुछ नहीं बैठा भाई, जब 300 रुपये का डॉक्टर का पर्चा था 500 का हो गया 3 साल तक। पेस्टिसाइड में देख लो तू कहाँ का सामान छू रही है, जो सी दवा 60 रुपये की थी 100 रुपये की हो रही भाई, जो 3 साल में महंगाई बढ़ी है, बहुत काफ़ी महंगाई बढ़ी है। मैं थोड़ा सा इसमें ये भी पूछ लेता हूँ, मुद्दा पूरे देश में एक चल रहा है, इसी के बीच क्योंकि अयोध्या का श्री राम मंदिर के निर्माण का प्राण प्रतिष्ठा का ये मुद्दा अहम चल रहा है, उसी के बीच किसानों को 20 रुपए की सौगात दी गई है। आप लोगों को लगता है कि वो 400 रुपए होना चाहिए थी, ये तो आप लोगों की मांग है, लेकिन अगर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा की मैं बात करूँ 22 जनवरी में होने जा रही है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? भाई ठीक ठाक है वो तो काम, पर 450 का बात चाह गन्ने का, तो 450 का मैडम क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? श्री राम अयोध्या में राम जन्म भूमि में अब प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को। प्राण प्रतिष्ठा? हाँ जी होगा। देखिए मैं मजाक के मूड में नहीं, क्योंकि वो आस्था से जुड़ा पर्सन है, इसमें मजाक नहीं चलती है। तो गन्ने में धर्म का क्या अंतर है? हाँ नहीं, धर्म का काम तो है, हम कहूँ करे मंदिर बनाया बहुत बढ़िया यार, ये मुद्दा भी हटिया जी जी भाई जी वाला सना होता जी भी, मंदिर अयोध्या मंदिर का मुद्दा हुआ था हट गया, बहुत बढ़िया होया, हमने कहते ठीक बुरा है बहुत बढ़िया होया, तो अगर कुछ और ऑप्शन होगा, पर मारा की होया मेरा तो 20 रुपये आए। जब राम मंदिर बन रहा है तो राम ही रखवाली, भगवान रक्षा करेंगे सबकी। हाँ जी आप क्या कहेंगे? भाई राम मंदिर का तो काम इन्होंने इतना बढ़िया करा, जो जो मुद्दा 500 साल तक किसी से हल नहीं हुआ था, और ये अभी बात है ईश्वर सबके लिए एक है, और भगवान श्री राम का जहाँ जन्म स्थली थी ना, वो मुद्दा भगवान श्री राम से वह जगह छीन रखी थी, वो तो जिस हाई कोर्ट के जज ने फैसला दिया, जिस सरकार ने उसके भगवान उन पर आशीर्वाद बनाओ रखा, वो तो मुद्दा इन्होंने इतना बढ़िया करा, अब भगवान श्री राम को अपनी जगह ठीक ठाक जगह मिल गई वहाँ, और इससे बढ़िया मेरे भारत के लिए, क्योंकि जिनके कार सेवा में युवा बच्चे गए थे ना थारी जैसी उम्र के, उनका दर्द पूछो, और सरयू घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था, नहीं पुरानी नहीं भाई, उनकी वजह से भी आयुकार सेवा ना होती आज यूँ मुद्दा नहीं हल होता, और यूँ मुद्दा बहुत बढ़िया हुआ, पर इस मुद्दे के साथ साथ जैसा भगवान श्री राम के बारे में सोच रहे, किसानों के बारे में भी थोड़ा सोचते रहे, और हम तो चाह अब योगी प्रधानमंत्री बन जा। देखिए वैसे मैं एक बात कहूँ आप सभी के बीच में, कि कहीं ना कहीं किसान भी अन्नदाता है, और वो पूरे देश की रोजी रोटी का ख्याल रखता है, तो अभी एक महाशय ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि कहीं ना कहीं जब भगवान राम का ध्यान रखा जा रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए, उनके अच्छे और भले के बारे में भी सोचना चाहिए, और गन्ने को लेकर के वैसे किसान खुश भी हैं और थोड़ा सा नाखुश भी हैं, क्योंकि अगर रेट बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती है, तो महंगाई कम की जाए, गन्ने का रेट 10-20 रुपये जो बढ़ता है बढ़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई को थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए, तो किसान जो है कहीं ना कहीं खुश भी हैं और महंगाई को लेकर के थोड़ा परेशान भी है। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, News24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।